सुरक्षा बल ने सूचना के आधार पर मुंबई में 13 लाख रुपए का सामान चुराने वाले आरोपी को चलती ट्रेन में धर दबोचा। आरपीएफ निरीक्षक एसएल मीणा को सांताक्रूज पुलिस से सूचना मिली थी कि 13 लाख रुपए की चोरी कर एक अपराधी गीतांजलि एक्सप्रेस से भागा है। इस बारे में शेगांव अकोला बड़नेरा के आरपीएफ निरीक्षक को बताया गया। वहां ट्रेन चेक की गई लेकिन आरोपी नहीं मिला। ऐसे में आरपीएफ कंट्रोल और अपराध खुफिया शाखा को सूचना दी गई। वर्धा के आरपीएफ स्टाफ वर्धा से ट्रेन में चढ़ा और उसे कोच नंबर S6 में बर्थ नंबर 62 पर पूछताछ में उसने नाम दीपक विनोद नायक और पता देउला भोगराई जिला बालेश्वर उड़ीसा का बताया। उसके पास एक काले रंग का बैग था। पूछताछ में उसने सांताक्रूज में चोरी करना कबूल किया। ट्रेन नागपुर पहुंचने पर उसे आरपीएफ थाने में लाया गया। यहां सीसीटीवी कक्ष में उसके बैग की तलाशी लेने पर नगद 4,11,370 रुपए करीब 91,000 रुपए का सोने का मंगलसूत्र बरामद हुआ। 3 पासबुक से 2 लाख रुपए मां के खाते में, 3 लाख रुपए पत्नी और 2 लाख रुपए स्वयं के खाते में जमा होने का पता चला। दिनांक 20/8/2022 को पुलिस स्टेशन सांताक्रूज मुंबई से मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिला जिसमें बताया कि सांताक्रूज एरिया में 13 लाख की चोरी हुई है, जिसका आरोपी गीतांजलि एक्सप्रेस 12859 से हावड़ा की तरफ नागपुर की तरफ आ रहा है। ऐसी सूचना मिलने पर आरोपी का डिटेल्स और केस रजिस्ट्रेशन डिटेल व्हाट्सएप पर प्राप्त होने के बाद मैंने इंस्पेक्टर सेगांव अकोला बंडेरा वर्धा सभी को सूचित किया। उस गाड़ी को चेक कराया गया लेकिन वर्धा तक आरोपी नहीं मिलने के कारण श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुविधायक श्री आशुतोष पांडे साहब से अनुमति लेकर निरीक्षक अपराध खुफिया शाखा और निरीक्षक वर्धा को इस बारे में सूचना दी गई, जिस निर्देशानुसार निरीक्षक वर्धा को गाड़ी में स्टाफ के साथ चढ़कर नागपुर तक चेक करने के दौरान नागपुर गाड़ी पहुंचने के दौरान उक्त आरोपी के S6 कोच में ट्रेस हुआ, जिसको नागपुर स्टेशन पर उतार कर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम दीपक नायक रहने वाला बालेश्वर उड़ीसा और मुंबई में ऑटो चालक बताया, जिसके बारे में सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में सूचना देने पर उसका सत्यापन किया गया तो पुलिस स्टेशन में वही आरोपी होना पाया गया तथा 13 लाख की चोरी करना इसने कबूल किया, जिसको आरपीएफ थाना नागपुर के सीसीटीवी रूम में लाकर दो पंचों के समक्ष उपनिरीक्षक मड़ावी ने इन्वेंटरी पंचनामा बनाया, जिसमें आरोपी के पास से 4,11,000 रुपये कैश, मोबाइल, घड़ी, कुछ जेवर और 7 लाख रुपये जो चोरी के थे अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करने की रसीद और अन्य दस्तावेज पेश किया, जिसकी सूचना संबंधित पुलिस स्टेशन सांताक्रूज मुंबई को दी गई, जिसके अनुसार वहां से उपनिरीक्षक खाड़े स्टाफ के साथ थाने में उपस्थित हुआ, जिनको आगे कार्रवाई हेतु आरोपियों को मुद्देमाल के साथ सुपुर्द किया गया है। आगे की जाँच संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।